पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की राजनीति में एंट्री हो गई है। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वां स्थापना दिवस के अवसर पर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ मंच पर पहुंची हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ हिलाकर सभी लोगों का यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं कल्पना सोरेन। और उसके बाद उसके ठीक सामने आप देखिए कि तमाम जो शहीदों की वेदी है उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फिर से मंच पर कल्पना सोरेन पहुंच गई है। और मंच से अब ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी और राज्यसभा सांसद महुआ माझी तीनों एक साथ यहां पर बैठी हुई हैं और उनके ठीक बगल में चंपई सोरेन बैठे हैं। फिलहाल हर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता खुद स्वागत यहां पर कर रहा है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्वागत किया जा रहा है, इससे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन का यहां पर स्वागत किया गया। तो इससे पहले कल कल्पना सोरेन का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर अपने पति हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो आज गिरिडीह में एक सभा में शामिल होगी और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आ जाएंगी। और ये तस्वीर आप देखिए कि गिरिडीह के झंडा मैदान से लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कल्पना सोरेन मंच पर आ गई हैं और मंच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे तमाम नेता हैं जो हमेशा जेएमएम के साथ सिपाही के साथ की तरह जो है खड़े रहते हैं। गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू हैं, पूर्व विधायक आप देखिए सरफराज अहमद हैं, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो हैं और तमाम मथुरा महतो जो वर्तमान में विधायक हैं वो हैं। और ये स्वागत का सिलसिला जो है ये लगातार जारी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मंच के ठीक सामने ये भीड़ आप देख सकते हैं जो आज कल्पना सोरेन को सुनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। जिस तरह से पोस्टर बैनर चारों तरफ लगा है, सिर्फ कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो यहाँ के विधायक हैं, इलाके से जो मंत्री हैं उनकी तस्वीर है। ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनमें किस तरह से उत्साह है कि आज कल्पना सोरेन ने जिस तरह से कल जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद कहा था कि वह अपने पति हेमंत सोरेन की आवाज़ बनकर जनता के बीच जाएंगी और आज ये पहली जनसभा एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी है। सार्वजनिक जीवन में आज से कल्पना सोरेन आ रही हैं और अपनी नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटे हैं। हालांकि इससे पहले कई मंचों पर कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ दिखी हैं, लेकिन अब ऑफिशियली कहा जाए कि वो सार्वजनिक जीवन में यहाँ पर आई हैं, राजनीति में झारखंड की पॉलिटिक्स में उनका इंटर हुआ है। आप देखिए कि लगातार कल्पना सोरेन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और सुदीप सोनू जो गिरिडीह के विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वे यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं। और कल्पना सोरेन को देखिए यहाँ पर फूलों का माला देकर, फूलों का माला यहाँ पर जो है जेएमएम की जो नेत्री हैं वो पहना कर यहाँ पर स्वागत कर रही हैं, बाकायदा तस्वीर यहाँ पर खिंचाया जा रहा है। तो ये इस क्षण का इंतजार झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को उस दिन से था जिस दिन 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल जाना पड़ा और उसके बाद से ही लगातार ये इंतजार हो रहा था कि कल्पना सोरेन पॉलिटिक्स में आए और हेमंत सोरेन की आवाज बनकर जनता के बीच जाएं। तो अब कल्पना सोरेन जनता के बीच आ चुकी हैं और अब यहाँ से क्या कुछ कहती हैं यह भी देखना होगा और बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कल्पना सोरेन अपनी पहली सार्वजनिक सभा में क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार आपने कल्पना सोरेन को कुछ कहते सुना होगा। आपको याद होगा कि उड़ीसा में जो एक कार्यक्रम था अपने पति के साथ, हेमंत सोरेन के साथ जब वो कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गई थी तो उनका स्पीच खूब वायरल हुआ था। और अब इंतजार है यहाँ कल्पना सोरेन के बोलने का। आप देखिए कि मंत्री बेबी देवी के साथ बैठी है और फिलहाल यहाँ मंच पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी जो कल्पना सोरेन के साथ यहाँ पर पहुंची है वो संबोधित कर रही हैं। तो गिरिडीह से हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये तस्वीर देखिए। और कल्पना सोरेन के सार्वजनिक जीवन में आने के बाद ये पहली तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में कितना उत्साह है और खास करके गिरिडीह, चूंकि अब गिरिडीह के बाद जैसा कि पहले ही पता चल चुका है कि कल्पना सोरेन जो है वो
बरहेट जाएंगी और बरहेट की सभा में भी वो शामिल होंगी, वहां संबोधित करेंगी। आप देखिए कि अभी सामने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, उनके बगल में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी हैं, उनके बगल में मथुरा महतो हैं और उसके बाद जेएमएम के नेता हैं और उस तरफ मंत्री बेबी देवी हैं, पूर्व विधायक सरफराज अहमद है और ये तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं और जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता एक एक करके आ रहे हैं और यहाँ कल्पना सोरेन का स्वागत कर रहे हैं और सुदीप सोनू बाकायदा एक एक नेता से परिचय करवा रहे हैं, क्योंकि अब तक पॉलिटिक्स में जो है प्रत्यक्ष रूप से कल्पना सोरेन शामिल नहीं हुई थी, बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को पहचान पाती होंगी जिनका परिचय हेमंत सोरेन ने कभी करवाया होगा, लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन नहीं है तो आप देखिए कि सुदीप सोनू लगातार कल्पना सोरेन के पास जा रहे हैं और तमाम नेताओं से उनका परिचय करवा रहे हैं। आप देखिए कि ये सामने तस्वीर देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन बैठी हैं, मंत्री बेबी देवी हैं और सामने लगातार सुदीप सोनू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो ये तय कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से मंच पर मौजूद जो नेता हैं वो अपने नेताओं को किस तरह से संबोधित करेंगे। The follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in